नमस्कार। विश्व के नक्शे से अफगानिस्तान का नामो निशान मिटते हुए देखकर हर कोई आक्रोशित है। जिस तरह से तालिबान की वैश्विक पटल पर छवि देखने को मिल रही है, वो हर किसी के लिए चिंता का विषय है। वहीं तालिबान के खिलाफ भारत के लोगों का विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। इन तख्तियों को ध्यान से देखिए और इन नारों को ध्यान से सुनिए। सभी का एक स्वर है, तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी तालिबान के खिलाफ नारे लगाए गए। महिलाओं ने नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में तालिबानियों का पुतला फूंका। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने पूरी दुनिया की महिलाओं से अपील की है कि वो इस समय तालिबानियों से अफगानी महिलाओं को बचाने के लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि तालिबान क्रूरता की हदें पार कर चुका है और अफगानी महिलाओं पर कोड़े बरसा रहा है। आज हम लोगों ने तालिबान का पुतला फूंका है, क्योंकि ये तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में हमला करके वहाँ के लोगों जनता को परेशान किया, वहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार किया, इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और हम सभी आज मुस्लिम महिलाओं ने मिल करके तालिबान का पुतला फूंका और ये पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि हम मुस्लिम महिलाएं एक हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क की हों। अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ हम खड़े हैं और अफगानिस्तान की महिलाओं के बचाने के लिए मेरी पूरी दुनिया की महिलाओं से अपील है, पूरी दुनिया की मुस्लिम महिलाएं एकजुट हों और तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि वहाँ की महिलाओं को तालिबानियों ने कैदी बना के रख दिया है, गुलाम बना लिया है। जिस तरह से उन पे हमले कर रहे हैं, उन पे उनके साथ जातियां बरत रहे हैं, इसके खिलाफ सभी पूरी दुनिया की महिलाओं को एक साथ एकजुट होना चाहिए। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वांचल प्रभारी मोहम्मद अजरुद्दीन ने कहा कि हमें अफगानी बेटियों और बहनों को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। तालिबान की क्रूरता पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर देगी, इसलिए सारे देश के सामाजिक कार्यकर्ता तालिबानियों और उसके समर्थकों का बहिष्कार करें और तालिबानियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अपनी सरकारों पर दबाव डालें। आज तालिबान का पुतला फूंका गया है। तालिबान जो अफगानिस्तान के ऊपर क्रूरता कर रहा है, जो वहाँ तालिबान के महिलाओं के ऊपर, तालिबान के बच्चों के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर जो क्रूरता कर रहा है, जो वहाँ पे अत्याचार कर रहा है, आज उसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से ये मांग कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अफगानिस्तान के पक्ष में हर जगह आवाज़ उठाइए, बुलंद करिए कि तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ा जा सके। हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपना अपना आवाज़ बुलंद करिए ताकि तालिबान को वहाँ से खदेड़ा जाए, अफगानिस्तान को सहायता मिले। हम लोग की पूरी प्रयास है कि हम लोग तालिबान को वहाँ से खदेड़ेंगे। जो तालिबान को हथियार मिल रहा है, जो तालिबान को फंडिंग हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त प्रतिबंध भी लगना चाहिए। खैर, अफगानिस्तान में तालिबानी राज किसी भी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन देखना होगा तालिबान की ये क्रूरता कितने हद तक जाती है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।